आज के इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आपका बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है, और इन गलतियों कैसे ठीक करें इसके बारे में भी बताऊंगा, और इसके साथ ही साथ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे गलतियाँ क्या क्या होती हैं, जब भी आप अपने लैपटॉप को चलाते हैं तब आपका पीठ इस तरह से मुड़ा रहता है, आपका कंधा इस तरह से आगे को रहता है, और आपके सिर इस तरह नीचे को रहता है, और आप इसी तरह से अपने लैपटॉप को चलाते हैं और कई घंटों तक आप इसी पोजीशन में रह के चलाते रहते हैं अपने लैपटॉप को, और जब भी आप अपने मोबाइल को चलाते हैं तब भी आपका सिर इसी तरह से नीचे को रहता है, और आप अपने मोबाइल को चलाते रहते हैं कई घंटों तक इसी पोजीशन में रह के आप चलाते रहते हैं। इससे यह होता है कि आपका बॉडी के कुछ मसल टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल आपके वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी का पोस्चर इस तरह से हो जाता है। अगर आपका बॉडी का पोस्चर इस तरह से हो जाता है तब आपको कई सारे दर्द की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको गर्दन में दर्द होने लगेगा, या आपके पीठ में दर्द होने लगेगा, या आपके हाथों के नसों में दर्द की समस्या होने लगेगी। तो ये सब सारी समस्या आपको ना हो इसके लिए आपको अपने बॉडी को सही पोजीशन में रख कर लैपटॉप को चलाना होता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपने पीठ को आपको इस तरह सीधा कर लेना है आपको, और अपने कंधे को आपको ढीला छोड़ देना है आपको इस तरह से, और इस तरह से आपको अपने लैपटॉप को चलाना है इस तरह से, और अपने मोबाइल को चलाते वक्त आपको अपने एक हाथ को इसे दूसरे हाथ के घुटने के नीचे रखना है, और अपनी कमर को आपको सीधा रखना है, और इस तरह से आपको अपने मोबाइल को चलाना है आपको। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और लैपटॉप को या मोबाइल को आप कई घंटों तक लगातार चलाते रहते हैं इसलिए बीच बीच में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। इसलिए तो पहले एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह सीधा बैठ जाना है, अपने कमर को सीधा कर लेना है आपको, अपने हाथ को इस तरह करना है आपको, और अब आपको अपने हाथ को पीछे ले जाना है आपको, और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रुके रहना है, उसके बाद आपको अपने हाथ को आगे को लाना है और इस तरह करना है आपको, और इसी पोजीशन में आपको 10 सेकेंड या 5 सेकेंड तक रुके रहना है, और उसके बाद फिर से आपको इस तरह करना है, आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक रुके रहना है, उसके बाद फिर से आपको इस तरह करना है। इसी तरह से आपको 3 से 4 बार करना है आपको। और अब हमारे दूसरे एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने कमर को सीधा कर लेना है, और अब आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और ऊपर को खींचना है आपको अपने हाथों को, और आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक रुके रहना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, अपने हाथों को नीचे करना है आपको, और उसके बाद फिर से अपने हाथ को ऊपर को करना है आपको, उसके बाद अपने पूरे शरीर को आपको ऊपर को खींचना है, उसके बाद नीचे आना है आपको। इसी तरह से आपको 3 से 4 बार करना है। और अब हमारे तीसरे एक्सरसाइज करने के लिए आपको इसी तरह सीधा बैठना है आपको, लेकिन अब आपको अपने सिर को ऊपर को करना है इस तरह से, अपने गर्दन को आपको खींचना है इस तरह से, और आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रुके रहना है इसी पोजीशन में, वही आगे आना है, और फिर आपको इसी तरह से करना है, इसी तरह से आपको 3 से 4 बार करना है। और अब हमारे चौथे एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने एक हाथ को इस तरह सिर को पकड़ना है और इस तरह करना है आपको, और 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक रुके रहना है आपको, इसे थोड़ा हल्का आपको दबाना है अपने सिर को, और इसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी करना है इस तरह से, और इसी तरह से आपको 3 से 4 बार करना है। और अब हमारे पांचवें एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इस तरह से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसे आपको अपने हाथ को पीछे को ले जाना है और इस तरह से कपड़े को पकड़ लेना है आपको, और अब आपको अपने ऊपर खींचना है अपने हाथ को, और 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रुके रहना है, उसके बाद अपने दूसरे हाथ को नीचे को खींचना है आपको, फिर आपको ऊपर खींचना है, और इसी तरह से आपको
दूसरी साइड में भी करना है इस तरह से, फिर ऊपर खींचना है आपको, फिर नीचे खींचना है आपको, और इसी तरह से आपको 5 से 6 बार करना है आपको। और दोस्तों, हमारे शरीर की जो बनावट है वह फिजिकल वर्क करने के लिए बनी है, ना कि कई घंटों तक एक जगह बैठने के लिए बनी है। इसलिए दोस्तों, आपको सुबह एक टाइम कोई एक्सरसाइज या योगासन या खेल कूद करते रहना चाहिए। अगर आप इन सब बातों को ध्यान देंगे तब आपको बॉडी के पोस्चर की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों।